थियोरिटिकल डिस्कशन है बट बहुत प्रैक्टिकल है। देखिएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, एक कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ज्यादा देना या कम देना चाहिए, इसके लिए चार फैक्टर्स यहां पे मैंने लिख रखे हैं। आइए मैं उन चारों फैक्टर को डिस्कस करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मैनेजमेंट जब भी डिविडेंड देने के बारे में सोचता है, इन सारे फैक्टर्स को वो पक्का कंसीडर करता है। पहला है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी के पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, पैसा चाहिए आने वाले टाइम पे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो डिविडेंड नहीं दिया जाए, जितना हो सके रिटेन किया जाए। और अगर हम लोग मच्योर कंपनी है, फर्दर एक्सपेंशन नहीं होने वाला है, वी कैन पे मोर डिविडेंड्स। सेकेंड वन इज पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी। प्रॉफिट भी है, डिविडेंड देने का मन भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कैश पोजीशन अच्छा नहीं है। ऑलरेडी द मनी, जो प्रॉफिट हम लोग अर्न किया, दैट इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड। तो लोन का पैसा से कैश अरेंज करके डिविडेंड देने से अच्छा है डिविडेंड ना दिया जाए। सो पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी इज अनदर डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। थर्ड वन इज टैक्सेस। अगर डिविडेंड का टैक्सेस लगे, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो इंडिया में पहले होता था, अब हटा दिया गया। इफ देयर इज अ डिविडेंड टैक्स, हाई डिविडेंड टैक्स, कि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दें और फिर उस डिविडेंड पे सरकार को टैक्स भी दें, तो इट्स बेटर नॉट टू पे द डिविडेंड्स। एंड द लास्ट वन इज क्लाइंटेल इफेक्ट। अगर मेरे शेयर होल्डर रिच हैं, पैसे वाले हैं मेरे ज्यादातर शेयर होल्डर, उनको डिविडेंड का थोड़ा मोड़ा पैसा ड्राइव नहीं करता, वो लोग कैपिटल गेन से खुश रहते हैं, तो वैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर शेयर होल्डर मीडियोकर अर्निंग वाले हैं, लो अर्निंग वाले शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको डिविडेंड इनकम चाहिए। तो यह भी एक तो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि आपके मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, और उसके हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पीएसयू हैं, वो लोग कंसिस्टेंटली डिविडेंड देना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उनका गवर्नमेंट शेयर होल्डर है और बाकी थोड़े से लोअर मिडिल या मिडिल क्लास के शेयर होल्डर्स हैं उनके, देयरफॉर दे पे कंसिस्टेंट डिविडेंड्स। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग अबाउट डिविडेंड्स बाय अ मैनेजर। थैंक यू।